उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में बेटी अदिति यादव के बाद अब उनकी बहन पूनम रावत भी कूद पड़ी हैं। शुक्रवार को डिंपल यादव की बहन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में डिंपल के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची और लोगों से साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने की अपील की। हाल ही में डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव की उनके मां के साथ मैनपुरी में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दी थी और अब उनकी बहन पूनम रावत भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए सपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करती हुई मैदान में दिख रही हैं। पूनम रावत डिंपल यादव की छोटी बहन है। पूनम इस दौरान मैनपुरी के लोगों से मिलती और बातें करती हुई दिखाई दी। पूनम रावत ने इस दौरान, मुझे यहाँ आकर मैनपुरी की जनता से बहुत प्यार मिला। मुझे पूरा विश्वास है इतने सालों से जिस तरह से मैनपुरी की जनता ने नेताजी का समर्थन किया है, वो इस बार भी डिंपल यादव को साइकिल का बटन दबाकर पूरा सपोर्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है डिंपल यादव अच्छे बहुमत से जीत हासिल करेंगी। हम परिवार के सदस्य होने के नाते उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैनपुरी आए हैं। वहीं उन्होंने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि आज हमारे देश में लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो लोगों के रोजगार के लिए काम करे ताकि लोगों को नौकरी मिले। वो खुद भी फौज में रह चुकी हैं। उन्होंने 20 साल तक फौज में सेवाएं दी हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। मोदी लहर में भी इस सीट में भाजपा कभी जीत नहीं पाई। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को अब चुनाव मैदान में उतारा था और इस उपचुनाव में डिंपल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। मुझे यहाँ के बहुत प्यार मिल रहा है मैनपुरी की जनता से और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इतने सारे सालों में मैनपुरी की जनता ने नेताजी को सपोर्ट दिया है, वो इस साल भी डिंपल भाभी को साइकिल का बटन दबाकर पूरा सपोर्ट करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि डिंपल भाभी पूरी वोट बैंक 6% से वापस आएंगे जीतकर। हम एज ए फैमिली सपोर्ट करने आए हैं और सिलेक्शन में निकले।